हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जैन क्लासेस फॉर अकाउंट्स। आज हम लोग देखेंगे TYBCOM आइडल का इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग क्वेश्चन नंबर 14। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको रीड करके बता दे रहा हूँ। पहले क्या दिया है क्वेश्चन 14, मिस्टर मेहता फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज होल्डिंग इन 12% IDBI बॉन्ड्स। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या दिया है, 12% IDBI बॉन्ड्स। हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए ना, डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी, तो उसमें किसी भी तरह का हमारा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो अगर कोई भी अगर अलग वर्ड मिले जैसे बॉन्ड सिक्योरिटी, तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, नॉर्मली है। सिर्फ हमें जो स्टेप्स है उसी को फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। फर्स्ट क्या दिया है यहाँ पे, 2014 में अप्रैल ओपनिंग बैलेंस नॉमिनल वैल्यू रुपीज 12% बॉन्ड रुपीज 2 लाख, कॉस्ट 1,90,000, 3 मंथ्स इंटरेस्ट है एक्यूमुलेटेड एज इंटरेस्ट वॉज रिसीवेबल हाफ ईयरली ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। जैसा कि मैंने बताया है कि इम्पॉर्टेंट कौन सा जो स्टेप रहेगा उसको नोट करना है अपने माइंड में। फर्स्ट स्टेप कि हमें चेक करना है, अपने दिमाग में फिट कर लेना है कि कौन से डेट पे इंटरेस्ट पेएबल हो रहा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ट्रांजेक्शन अगस्त 31st को हुआ, ही परचेज अ फर्दर परचेज किया 80,000, कितने रेट से 96 कम इंटरेस्ट। अभी यहाँ पे देखो टोटल फेस वैल्यू दे दिया है, तो हम लोग नंबर ऑफ डिवेंचर फाइंड कर सकते हैं कैसे, 80,000 को क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। अक्टूबर 31st को क्या किया, सोल्ड किया है 94x इंटरेस्ट से। ठीक है, उसके बाद 2015 में फेब्रुवरी में ट्रांजेक्शन हुआ है कि कौन सा, तो सोल्ड 312% बॉन्ड ऑफ रुपीज 100 ईच एट 96 कम इंटरेस्ट पे, द फेस वैल्यू ऑफ ईच बॉन्ड रुपीज 100 है कि नहीं। प्रिपेयर 12% IDBI बॉन्ड्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2015, यूज वेटेज एवरेज मेथड। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मेट हमारा इस तरह से हो जाएगा, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मेहता 12% है ना बॉन्ड्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा बॉन्ड्स लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा IDBI बॉन्ड्स। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे IDBI बॉन्ड्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2015, इंटरेस्ट पेएबल कभी है 30 जून और 31st दिसंबर। फॉर्मेट सिंपल है, डेबिट डेट पर्टिकुलर फेस वैल्यू इंटरेस्ट कैपिटल, और क्रेडिट में डेट पर्टिकुलर फेस वैल्यू इंटरेस्ट कैपिटल। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे हम लोग, क्या दिया हुआ है यहाँ पर हम लोग को, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन का भी दिया है 1 अप्रैल है ना, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो सिंपल यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस की एंट्री हम लोग कर लेंगे। कौन से ईयर में है, तो 2014, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे April 1st, यहाँ पे लिख लो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना है फेस वैल्यू का 2 लाख। ठीक है, कॉस्ट में मतलब कैपिटल ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, तो डायरेक्टली लिख लेंगे 1,90,000। अब यहाँ पर अगर आप देखो क्वेश्चन में, तो एक चीज दिया हुआ क्या, 3 मंथ्स इंटरेस्ट हैड एक्यूमुलेटेड एज इंटरेस्ट वॉज रिसीवेबल। अगर ये सेंटेंस अगर आपको नहीं दिया रहेगा तो भी आपको 3 मंथ्स का इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ता, क्यों, क्योंकि देखो इंटरेस्ट पेएबल कभी हो रहा है 30 जून और 31st दिसंबर को। ठीक है, और हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कभी से हो रहा है 1 अप्रैल से, मतलब लास्ट इंटरेस्ट कभी पेड हुआ होगा 31st दिसंबर को, तो हमें कितना 2 लाख के ऊपर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट फाइंड करना ही पड़ता है कि नहीं, इंटरेस्ट ऑन 1 अप्रैल 2014 ओपनिंग बैलेंस ऑफ फेस वैल्यू है कि नहीं, कितना है 2 लाख, रेट कितना है, तो 12% इंटू 3/12, तो कितना आ जाएगा। अभी नॉर्मली हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें इस तरह से नहीं था कि ओपनिंग बैलेंस, जो लास्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन जिसमें फाइनेंशियल ईयर अलग है और इंटरेस्ट पेएबल अलग डेट पे हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा उसके ऊपर, कितना आ जाएगा 6,000 है कि नहीं। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 6,000, तो इसका अमाउंट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे 6,000 इंटरेस्ट के कॉलम में है कि नहीं। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कभी हुआ है, August 31st को, ही परचेस अ फर्दर रुपीज 80,000 ऑफ द बॉन्ड। अभी कभी परचेस किया है, अगस्त में। ठीक है,
अगस्त में परचेज किया लेकिन इंटरेस्ट कभी पेबल हो रहा है जून और दिसंबर में, तो दिसंबर में तक पेड हो गया था तो हमने यहाँ पे एंट्री पास किया इसका एक्युमुलेटेड इंटरेस्ट का। अब दिसंबर का पेड हो गया तो उसके बाद से पेड हो रहा कभी जून में, तो जून कभी आ रहा अगस्त के पहले आ जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल की एंट्री पास कर देंगे। कौन से डेट पे, तो ईयर कौन सा आ जाएगा 2014 और जून 30 क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो बाय बैंक अकाउंट फेस वैल्यू कॉलम कोई अमाउंट नहीं, कैपिटल में भी कोई अमाउंट नहीं, तो अमाउंट इंटरेस्ट कितना आ जाएगा तो फाइंड कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कभी तो 30 जून 2014 को कितने के ऊपर, तो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 2 लाख का है तो 2 लाख के ऊपर 2 लाख इंटू कितना है 12% है तो 12% इंटू 6/12 फाइंड कर लेंगे। तो 2 लाख इंटू 12% डिवाइड बाई 12 इंटू 6 कितना आ जाएगा 12,000। तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा इंटरेस्ट के कॉलम में, आया समझ में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कभी हुआ है अगस्त 31 को ही परचेस किया हुआ है, तो सिंपल कहाँ पर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट के डेबिट साइड में, कौन सा डेट है तो अगस्त 31 एंट्री क्या आ जाएगी 2 बैंक अकाउंट। अभी कितना फेस वैल्यू है तो ऑलरेडी दिया हुआ कितना हमें 80,000, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हम लोग इसका इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे, कौन से कंडीशन पे परचेस किया है कम इंटरेस्ट पे, और जैसे जब कोई भी इन्वेस्टमेंट कम इंटरेस्ट पे परचेस होगा तो क्या आ जाएगा कॉस्ट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे इंटरेस्ट उसमें से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेंगे कभी तो 31 अगस्त को क्या किया है परचेस, यहाँ पे आप लिख लो कौन से कंडीशन पे तो कम इंटरेस्ट, ठीक है। कितना तो 800 डिबेंचर, क्यों, क्योंकि टोटल फेस वैल्यू कितना 80,000, 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 80 मिल जाएगा हमें डिबेंचर, तो 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे 800 का मल्टीप्लाई कर देंगे सॉरी 96 है कितना 80,000 है ना। अभी देखो टोटल 80,000 है हमारे पास फेस वैल्यू, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 800 डिबेंचर्स इंटू 96 के रेट से परचेज किया तो कितना आ जाएगा 76,800। अभी क्या आ जाएगा कौन से कंडीशन पे परचेज किया है इसने कम इंटरेस्ट पे, जब कोई भी इन्वेस्टमेंट क्या होगा कम इंटरेस्ट पे परचेस रहेगा तो क्या करेंगे इंटरेस्ट जो प्राइस पेड रहेगा उसमें से माइनस कर देंगे, कितना रेट है 12%। अभी देखो परचेस कभी किया है 31 अगस्त को, है कि नहीं, 31 अगस्त को परचेस किया ना, और हमें लास्ट इंटरेस्ट कभी पेड हुआ है जून में, तो जून के बाद जुलाई अगस्त 30 को मतलब 2 मंथ्स का इंटरेस्ट यहाँ पर आ जाएगा, फाइंड कर लो 80,000 इंटू 12% डिवाइड बाई 12 इंटू 2 कितना आ जाएगा 1600, तो कितना आ जाएगा माइनस कर दो 76,800, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे अमाउंट 75,200। ये क्या आ जाएगा कैपिटल कॉलम अमाउंट हो जाएगा, और इंटरेस्ट के कॉलम में कितना आ जाएगा 1600 और कैपिटल कॉलम में 75,200, है कि नहीं। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कभी हुआ है अक्टूबर 31 को क्या किया है सोल्ड किया 700 डिबेंचर्स, अभी सोल्ड किया है तो क्या आ जाएगा एंट्री यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट साइड में अक्टूबर कौन से डेट पे तो 31 क्या एंट्री आ जाएगा यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट कितना, तभी देखो यहाँ पे कितना डिबेंचर सोल्ड किया 700, तो 700 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 70,000 क्या आ जाएगा फेस वैल्यू, ठीक है। अभी कौन से कंडीशन पे सोल्ड किया है एक्स पे, तो एक्स पे सोल्ड किया मतलब जितना अमाउंट रहेगा वही क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल कॉलम का अमाउंट हो जाएगा, यहाँ पे देखो
कभी तो 31 अक्टूबर 2014 क्या किया है, सेल्स कितना 700, कौन से रेट से 94, तो 700 × 94 कितना 65,800। ये क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल कॉलम का अमाउंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कौन से कंडीशन पर है ये, एक्स इंटरेस्ट पे। और यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, इंटरेस्ट भी फाइंड कर लेंगे, इंटरेस्ट कितना फेस वैल्यू के ऊपर 70,000 × 12% × कितने मंथ्स का आएगा। तभी देखो लास्ट हमें इंटरेस्ट कब तक पे था, 30 जून तक, और हमने सोल्ड कभी किया अक्टूबर में, है कि नहीं, 31 अक्टूबर को, तो इंटरेस्ट कितने मंथ्स का आ जाएगा, काउंट कर लो जून के बाद से, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, है कि नहीं, कितना आ रहा 4 मंथ्स आ रहा, तो 4/12 फाइंड कर लो, 70,000 × 12% / 12 × 4 कितना जाएगा 2,800। तो ये अमाउंट हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट के कॉलम में 2,800, और कैपिटल कॉलम में कितना आ जाएगा 65,800, है कि नहीं। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसका कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। कॉस्ट कैसे, जितना अमाउंट सोल्ड हो रहा है कितना 70,000 × अभी टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कितना हमारा हो जाएगा, तो 1,90,000 + 75,200 ऐड कर लेंगे, 1,90,000 + 75,200 कितना आ जाएगा 2,65,200, तो 2,65,200 डिवाइड बाय टोटल फेस वैल्यू ऐड कर लेंगे, तो 2,00,000 + 80,000 कितना आ जाएगा 2,80,000, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे क्रेडिट में कोई बैलेंस है नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी अमाउंट माइनस नहीं होगा, फाइंड कर लेंगे 70,000 × 2,65,200 / 2,00,000 तो कॉस्ट कितना मिल जाएगा 66,300। अभी देखो यहाँ पे हम लोग का कॉस्ट कितना है 66,300, और हमने उसको सोल्ड कितने में किया है 68,800 में, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, नहीं लॉस हो रहा है ना, क्योंकि कॉस्ट कितना 66,300 का, और हमने सॉल्व किया उसको 65,800, तो 66,300 - 65,800 कितना 500 का लॉस हो रहा है। यहाँ पे माइनस कर लेंगे कॉस्ट 66,300 लेस सेल्स कितना 65,800 कितना आ रहा है 500, क्या हो गया लॉस हो रहा है। तो लॉस की एंट्री कहाँ पर आती है, सेम क्रेडिट साइड में अक्टूबर 31 पे क्या आ जाएगा, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट कहाँ पे आ जाएगा, कैपिटल कॉलम में, है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कभी है 2015 में February 28 पर है, लेकिन इसकी एंट्री पास करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 31 दिसंबर की इंटरेस्ट पेएबल की एंट्री पास करनी पड़ेगी, है कि नहीं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे दिसंबर 31 क्या आएगा एंट्री यहाँ पे, बाय बैंक अकाउंट। अभी आपको जनरल एंट्रीज याद रहनी चाहिए कि इंटरेस्ट जब एक्रूड रहेगा पेबल रहेगा तो उसकी एंट्री क्या रहेगी, इसके लिए मैं यहाँ पे फटाफट सॉल्व करा, अगर नहीं याद है तो प्रीवियस जो लेक्चर हुआ है हमारा जनरल एंट्री का, वहाँ से आप उसको रिवाइज कर लोगे। फिफ्थ, अभी इंटरेस्ट ऑन कभी 31 दिसंबर 2014 टोटल बॉन्ड्स 31 दिसंबर तक हमारे पास कितना था, तो टोटल कितना है हमारे पास 2,00,000 + 80,000 डेबिट में है ना, तो 2,80,000 है लेस सोल्ड बॉन्ड्स, कितना सोल्ड कर लिया हमें 70,000 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 2,00,000
10,000। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। इंटू 12% इंटू 6/12 है कि नहीं, फाइंड कर लो। इंटू 12% डिवाइड बाई 12 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 12,600। तो इसके एंट्री पहले हम लोग पास कर लेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा 12,600 है कि नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ मूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट और लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, फरवरी 28 सोल्ड 300, अगेन सोल्ड किया हुआ है, तो अगेन यहीं पे एंट्री आ जाएगी। कौन सा ईयर में, तो 2015 है तो 15 ले लेंगे, फैब 28 क्या आ जाएगी एंट्री, तो बाय बैंक अकाउंट कितना, 300 डिबेंचर सोल्ड किया ना, तो 300 इंटू 100 कर देंगे तो फेस वैल्यू मिल जाएगा 30,000। कौन से कंडीशन पे है, कम इंटरेस्ट पे, और जब कम इंटरेस्ट पे रहेगा तो कैपिटल रिसिप्ट अमाउंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो टोटल प्राइस रहेगा रिसीव उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर लेंगे, मतलब हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो कैलकुलेट कर लो, कभी सोल्ड किया है 28 फेब 2015, कौन से कंडीशन पे, तो कम इंटरेस्ट पे है कि नहीं। सेल कितना, 300 डिबेंचर बॉन्ड्स है इंटू 96, तो 300 इंटू 96 कितना आ जाएगा, 28,800 लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसके ऊपर, तो फेस वैल्यू के ऊपर, फेस वैल्यू के ऊपर फाइंड कर लेंगे 30,000 इंटू 12% इंटू, अब देखो कभी सोल्ड किया है 28 फेब को है कि नहीं, मतलब फेब के एंड में, और लास्ट हमें इंटरेस्ट कभी पेएबल हुआ था 31 दिसंबर को, तो दिसंबर से बाद बाकी रहेगा, तो दिसंबर, तो जैन है ना, दिसंबर के लास्ट तक तो पेड ही किया है, तो जैन फेब कितना, 2 मंथ्स का, तो 2/12 फाइंड कर लो, 30,000 इंटू 12% डिवाइड बाई 12 इंटू 2 कितना, 600, तो कितना आ जाएगा, माइनस कर लेंगे 28,800 माइनस 600 कितना आ जाएगा 28,200, ये क्या आ जाएगा हमारा कैपिटल कॉलम का अमाउंट, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, इंटरेस्ट कितना कॉलम में आ जाएगा 600 और कॉस्ट 28,200 कैपिटल कॉलम का, ठीक है। अब ये तो सेल्स का, अब हम लोग फाइंड कर लेंगे, चेक करेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉस्ट फाइंड करेंगे, कॉस्ट फाइंड करने के लिए सिंपल है, जितना फेस वैल्यू सोल्ड हो रहा है 30,000 इंटू हमारे पास जितना भी डेबिट में कॉस्ट है, क्रेडिट माइनस कर देंगे, तो डेबिट में कॉस्ट कितना है, ये देखो 1,90,000 प्लस 75,200, तो टोटल कॉस्ट कितना है, यहाँ पर मैं आपको वर्किंग नोट में बता दे रहा हूँ, टोटल कॉस्ट किसका, डेबिट साइड का 2,65,200 लेस टोटल कैपिटल कॉलम, क्रेडिट साइड कॉस्ट या फिर कैपिटल कॉलम दोनों बोल सकते हो, ठीक है, कॉस्ट या फिर कैपिटल कॉलम। अभी क्रेडिट साइड में टोटल कितना है, तो ऐड कर लो 65,800 प्लस 500 कितना 66,300, माइनस कर दो, तो 2,65,200 माइनस 66,300 तो कितना आ जाएगा 1,98,900, ये क्या हो गया हमारा कॉस्ट। अब फेस वैल्यू, ठीक है, तो अभी टोटल फेस वैल्यू, टोटल फेस वैल्यू कितना है, यहां पे ऐड कर लो 2 लाख प्लस 80,000, 2,80,000 हो जाएगा, ठीक है, लेस सोल्ड कितना सोल्ड किया है, तो सोल्ड एक ही है 70,000 का, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2,10,000 है कि नहीं। अब फाइंड कर लो, तो ये कॉस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1,98,900 डिवाइड बाय कितना
तो कॉस्ट कॉस्ट कितना मिला हमें, फेस वैल्यू उसका 2,10,000, तो हमें यहाँ पे कॉस्ट मिल जाएगा, फाइंड कर लो 30,000 इंटू 1,98,900 डिवाइड बाय 2,10,000, तो कॉस्ट कितना मिल जाएगा हमें यहाँ पे 28,414। अभी देखो पॉइंट के बाद नंबर्स क्या है, 5 से कम है, तो हम लोग इतना ही कंसीडर करेंगे 28,414। अभी ये क्या हमारा कॉस्ट है, और हमने सोल्ड कितने में किया है, 28,414 हमने सोल्ड कितने में किया, 28,200, मतलब हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यहाँ पे फाइंड कर लो कॉस्ट कितना हो गया, 28,414 सेल्स माइनस कर लो 28,200 माइनस 28,200 कितना, 214 का क्या हो गया हमें लॉस हो गया। अगर लॉस हो रहा है तो सेम हम लोग उसी डेट पे क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री पास कर लेंगे 28 क्या आ जाएगी एंट्री बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट कहाँ पर आ जाएगा तो कैपिटल कॉलम में कितना 214 है कि नहीं। अब यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया पूरा ट्रांजेक्शन, अभी कोई ट्रांजेक्शन नहीं बचा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे अब अकाउंट क्लोज कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फेस वैल्यू क्लोज कर लेंगे, फेस वैल्यू का कॉलम का अमाउंट कितना आ जाएगा 2,80,000, क्योंकि ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था। सेम वही अमाउंट क्या यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट साइड में 2,80,000, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2015 तो है ही हमारा March 31st है कि नहीं, क्या आएगा तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा तो फाइंड कर लो 2,80,000 माइनस 70,000 माइनस 30,000 कितना 1,80,000 है कि नहीं। अब इंटरेस्ट का कॉलम क्लोज करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट का कॉलम क्लोज करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा। कैसे, क्योंकि देखो इंटरेस्ट हमें पेएबल कब तक हो रहा है, 31st दिसंबर को, और हमने अकाउंट क्लोज कभी किया है 31st मार्च को, है कि नहीं। तो 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट यहाँ पे हम लोग चार्ज कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड टिल कब तक, 31st मार्च 2015। तो कितना बॉन्ड हमारे पास अवेलेबल है, 1,80,000 है कि नहीं, 1,80,000 है ना हमारे पास, इंटू 12% इंटू कितना आ जाएगा 3/12। अभी 3/12 क्यों आएगा, क्योंकि हमें लास्ट इंटरेस्ट कभी पेएबल हुआ है 31st दिसंबर को, है कि नहीं। दिसंबर तक जब पेड है मतलब, तो जैन फेब मार्च 3 मंथ्स का क्या करेंगे, ये क्लोजिंग जो हमारा फेस वैल्यू का है बॉन्ड्स उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो चार्ज कर लेंगे 1,80,000 इंटू 12% डिवाइड बाई 12 इंटू 6 कितना आ जाएगा 1,80,000 इंटू 12% डिवाइड बाई 12 इंटू 3 5,400, क्योंकि 3 मंथ्स का इंटरेस्ट है ना, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट यहाँ पर आ जाएगा कितना 5,400। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 5,400। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इंटरेस्ट का कॉलम भी क्लोज कर लेंगे, सिंपल। तो इंटरेस्ट का कॉलम क्लोज करेंगे तो चेक करेंगे कौन सा साइड ग्रेटर है, तो अगर देखोगे तो क्रेडिट साइड ग्रेटर है, क्योंकि डेबिट साइड में क्या है अमाउंट बहुत कम है। तो ऐड कर लो 12,000 2,800 12,600 600 प्लस 5,000 400 कितना आ गया 33,400 है कि नहीं। सेम यही अमाउंट कहां पर आ जाएगा, डेबिट साइड में कितना 33,400, इसमें से डेबिट बैलेंस माइनस कर देंगे तो माइनस 6,000 माइनस 1,600 कितना आ जाएगा 25,800। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे ईयर लिख लो आप 2015 मार्च 31st,
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा इंटरेस्ट कॉलम जब क्लोज करेंगे तो उसका जो बैलेंसिंग फिगर क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 25,800। ठीक है, अब कैपिटल कॉलम क्लोज करेंगे तो अगर आप देखो तो कौन सी साइड ग्रेटर, हमें डेबिट साइड में ग्रेटर मिल रहा है क्योंकि क्रेडिट साइड में ऑलरेडी अमाउंट कम है। कितना है? तो 1,90,000 प्लस 75,200, तो कितना आ रहा है? 2,65,200। डेबिट का अमाउंट सेम यहां पर आ जाएगा, क्रेडिट में 2,65,200। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बुक वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट का रहेगा तो कैसे मिलेगा बुक वैल्यू, तो क्रेडिट अमाउंट माइनस कर लो 65,800 माइनस 500 28,200 214, कितना आ रहा? 1,70,486 ये क्या है? हमारा बुक वैल्यू है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू। अभी मार्केट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, मार्केट वैल्यू के लिए क्या दिया है, प्रिपेयर 12% बॉन्ड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, यूज वेटेज एवरेज मेथड। अभी यहाँ पे देखो मार्केट वैल्यू के लिए हम लोग को कुछ दिया हुआ है क्या इन्फॉर्मेशन में, क्वेश्चन एक बार देखेंगे यहाँ पे क्या है, हम लोग को कहीं पे दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में चेक कर लेंगे। मार्केट वैल्यू कहीं पर कुछ नहीं दिया, मतलब क्या आ जाएगा, यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाए। तो ये अमाउंट सेम वही लिख लेंगे यहाँ पे, कितना? 1,70,486। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर करने के लिए नहीं बोला हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन 14 कम्प्लीट हुआ। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का पूरा क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया है। अगर इससे रिलेटेड अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन है या फिर जिसमें आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। और उसके साथ में अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिसको आपको समझना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, उसका फोटो क्लिक करके आप मुझे सेंड कर देना, मैं उसके ऊपर जल्द से जल्द डाउट क्लियरेंस का एक वीडियो लेक्चर बना दूंगा। इस वीडियो लेक्चर में आपको कहीं पर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। उसके साथ जितने लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।